इस फ्यूचरिस्टिक कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब चारों तरफ चमगादड़ों के कारण प्लेग फैल चुका था। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी होती है जो चारों तरफ फैलते हुए इंसानों को इन्फेक्टेड करते जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि इस वायरस के कारण नॉर्मल इंसान भी वैम्पायर्स में कन्वर्ट होते जा रहे थे, और अब तक ये खतरनाक वायरस ऑलमोस्ट 90% इंसानों पर असर कर चुका था। यानी कि 90% इंसान वैम्पायर्स बन चुके होते हैं, और ये वैम्पायर्स तो इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहा करते थे। यानी कि जो इंसान बचे हुए हैं उनकी भी जान अब इन वैम्पायर्स की वजह से खतरे में है। ये वैम्पायर्स सूर्य की किरणों में नहीं निकल सकते थे क्योंकि इससे इनकी बॉडी पूरी तरीके से जल जाती। इसीलिए ये सभी लोग रात के समय ही अपना काम करते और बाहर निकलकर सारी चीजें परफॉर्म करते। कई वैम्पायर्स ने तो दिन में ट्रेवल करने के लिए कार बना दी थी जिसके अंदर जरा भी सनलाइट नहीं पड़ती, और वो सारे वैम्पायर्स इंसानों के बीच में रहकर इसी तरीके से अपना जीवन यापन किया करते थे। हमें अब यहाँ पर वैम्पायर्स की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है जो कि काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करती थी। वहां पर सारे बोर्ड मेंबर्स बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंसानों की संख्या अब 5% से भी कम हो चुकी है, और अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो कुछ सालों में इंसान खत्म हो जाएंगे, और एक तरीके से वैम्पायर्स को इंसानों का खून न मिलने की वजह से उनकी भी तादाद कम होती जाएगी। इसी रीजन की वजह से वो प्राइवेट कंपनी सिंथेटिक ब्लड बनाने का काम कर रही होती है, यानी कि ऐसा सिंथेटिक खून जिससे कि वैम्पायर्स के खून की कमी को मिटाया जा सके और उन्हें पूरी तरीके से इंसानों के ब्लड पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। हमें उसी कंपनी में काम करने वाले डॉक्टर एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि इसी सिंथेटिक खून को बनाने का काम कर रहे थे। एडवर्ड जब अपने सीनियर मेंबर्स के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं तब वो बताते हैं कि इंसानों की कमी होने के कारण वैम्पायर्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, और इन्हीं रीजंस की वजह से वैम्पायर्स अजीब तरीके से चेंजेस में चले जा रहे हैं। यानी कि उनकी बॉडी हाइब्रिड बन जा रही है और वो सबसाइडर में कन्वर्ट हो रहे हैं। सबसाइडर कुछ ऐसे वैम्पायर्स की खतरनाक प्रजाति होते थे जिनकी पूरी बॉडी किसी क्रिएचर से कम नहीं लगती, और ये सबसाइडर इंसानों के साथ साथ वैम्पायर्स के लिए भी खतरा थे क्योंकि ये वैम्पायर्स को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। और जब तक वैम्पायर्स के खून की कमी को दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये सबसाइडर कन्वर्ट ही होते रहेंगे। इसीलिए अब सीनियर मेंबर्स डॉक्टर एडवर्ड को कहते हैं कि वो उनकी सिंथेटिक ब्लड बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट करे और जल्द से जल्द इसे वैम्पायर्स के ऊपर प्रयोग करे। हालांकि डॉक्टर एडवर्ड ने कहा कि अभी तक वो सिंथेटिक ब्लड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उनके सीनियर मेंबर्स द्वारा बताए गए आदेश को फॉलो करने का। इसीलिए अब डॉक्टर एडवर्ड ने अपने बनाए गए सिंथेटिक ब्लड को किसी वैम्पायर के बॉडी में इंसर्ट किया। हालांकि थोड़े समय तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक ही उस वैम्पायर की हार्ट बीट बढ़ने लगी और वो अगले ही मोमेंट में मारा गया। यानी कि ये सिंथेटिक ब्लड अभी तक रेडी नहीं हुआ है किसी भी वैम्पायर की बॉडी पर काम करने के लिए। डॉक्टर एडवर्ड को इस पर और भी ज्यादा मेहनत करके इसका प्रॉपर रिजल्ट निकालना पड़ेगा। अब एडवर्ड यहाँ पर अपनी कार में बैठा हुआ सड़क पर जा रहा था, तभी अचानक वो नोटिस करता है कि उसके कान बहुत ही अजीब तरीके से बढ़ने लगे हैं, और ये सीधा सीधा इशारा था कि अब एडवर्ड भी एक सबसाइडर में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि उसके बॉडी में भी इंसानी ब्लड की कमी हो रही है। एडवर्ड तो इस बात से काफी परेशान हो गया और उसका सड़क पर से ध्यान हट जाता है, जिससे कि अब एडवर्ड की कार एक दूसरी सामने से आ रही कार से टकरा जाती है। उस दूसरी कार में दो इंसान मौजूद थे जो कि बाहर निकलकर एडवर्ड पर हमला करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये वैम्पायर है और उनके ऊपर हमला करेगा। उसमें से ऑड्री नाम की एक लेडी तुरंत ही अपने क्रॉस बो से एडवर्ड के हाथ पर मार देती है, लेकिन एडवर्ड को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो उन दोनों को कन्विंस कर रहा था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। दरअसल एडवर्ड एक ऐसा वैम्पायर था जो इंसानों का ब्लड जरा भी नहीं पीता, वो तो जिंदा रहने के लिए सिर्फ जानवरों का ही खून पीता है। थोड़ी देर के अंदर उन्हें सायरन की आवाज सुनाई देती है क्योंकि अब पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं। इसीलिए अब एडवर्ड ने उन दोनों इंसानों को अपनी कार में छुपने के लिए कहा क्योंकि ये ऑफिसर्स भी वैम्पायर हैं, और अगर ये किसी भी इंसान को पकड़ ले तो उन्हें लेकर चले जाते थे एक्सपेरिमेंट के लिए। एडवर्ड की फिलहाल के लिए बात मानकर वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। जब वहां पर वैम्पायर वाले पुलिस ऑफिसर्स आए तो एडवर्ड उन्हें गलत रास्ता बताता है कि वहां पर इंसान गए हैं, इसीलिए वो दोनों वैम्पायर पुलिस ऑफिसर्स उसकी तरफ जाने लगे। थोड़े समय के बाद ऑड्री और उसके साथ मौजूद एक आदमी वहां से बाहर निकलते हैं और अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। एडवर्ड अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद अपने घर पर आ चुका था, लेकिन तभी एडवर्ड देखता है कि उसके घर पर तो उसका भाई आया हुआ है जो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहा करता था। दरअसल एडवर्ड का भाई मिलिट्री के लिए काम करता है और वो भी वैम्पायर है, तो उसका सिंपल काम था कि इंसानों को पकड़ना और गवर्नमेंट को सौंप देना जिससे कि गवर्नमेंट उनका ब्लड निकालकर वैम्पायर
वैम्पायर्स को प्रोवाइड करती थी। एडवर्ड का भाई इतने समय बाद आया होता है, इसीलिए उसने गिफ्ट में इंसानी ब्लड लेकर आया था जो कि वो अपने भाई को पीने के लिए देता है। लेकिन एडवर्ड तो शुरुआत से ही किसी भी इंसान का खून नहीं पीता था, वो इस बात के लिए अपने भाई को मना कर देता है। लेकिन यहाँ एडवर्ड का भाई काफी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि तुम्हें ये करना ही होगा, ये हमारे वैम्पायर्स की एक असली निशानी है कि वो इंसानों से नफरत करते हैं। एडवर्ड का भाई बहुत ही गुस्से में उस बॉटल को ही तोड़ देता है जिसके बाद पूरा खून फैल चुका था। उन दोनों में तो लड़ाई होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक अंधेरे में से एक सबसाइडर बाहर निकलता है। ये वही वैम्पायर का एक दूसरा रूप था जिन्हें की खून ना मिलने की वजह से वो इस तरीके के भयानक हो जाते थे। सबसाइडर तो दीवार पर लगे हुए ब्लड को जाकर चाटने लगा और अब तो वो अपने बड़े बड़े पंख निकालकर एडवर्ड को मारने लगता है। एडवर्ड ने तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दिया था, लेकिन यहाँ एडवर्ड का भाई मिलिट्री ऑफिसर होता है इसीलिए उसने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए उस सबसाइडर को जान से मार दिया। थोड़े समय बाद जब पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आते हैं तब अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो ये पता लगाते हैं कि ये सबसाइडर और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड का नौकर था जिससे कि खून ना मिलने की वजह से वो इस तरीके से बन गया। उन दोनों की हालत सच में खराब होती है क्योंकि वो मरते मरते बचे थे और अब शायद सबसाइडर वाले केसेस बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि ऑड्री नाम की वही लेडी एडवर्ड से मिलने के लिए उसके घर पर आ चुकी है। ऑड्री तो एडवर्ड को एक एड्रेस देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ आकर मुझसे मिलना, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अगले दिन एडवर्ड को उसके सीनियर का कॉल आता है जो उससे कहने लगा था कि हमें सिंथेटिक ब्लड बनाने की कोई जरूरत नहीं बल्कि हमें कुछ ऐसे बिलियनर वैम्पायर्स मिले हैं जो इंसानी ब्लड के बदले कई सारे पैसे देने के लिए तैयार थे, इसीलिए हमें सिर्फ फोकस करना है बचे हुए इंसानों को पकड़कर उनका ब्लड निकालने के लिए। लेकिन एडवर्ड को ये सारी चीजें मंजूर ही नहीं थी, वो किसी भी तरीके से इंसानों को बचाना चाहता था, इसीलिए वो सीधा चला गया ऑड्री के बताए गए एड्रेस पर जहाँ पर वो भी मौजूद होती है। ऑड्री ने तो यहाँ पर एडवर्ड को एल्विन नाम की एक से मिलाया। दरअसल वो बताती है कि एल्विन पहले एक वैम्पायर हुआ करता था लेकिन अब वो एक पूरी तरीके से इंसान बन चुका है। हालांकि एडवर्ड को इसके ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब उसने चेक किया तो उसे एल्विन पूरी तरीके से इंसान दिखाई देता है जो कि पहले वैम्पायर था। एल्विन तो एडवर्ड से कह रहा था कि अगर हम इस बारे में पता लगा ले तो हम बाकी सारे वैम्पायर्स को भी इंसान में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे की बात करते तभी अचानक वहां एडवर्ड का भाई आ जाता है। दरअसल एडवर्ड का भाई ने शुरुआत में ही उसकी और ऑड्री की बातें सुन ली थी और वो तब से ही उन सभी को पकड़वाने के लिए उन्हें फॉलो कर रहा है। थोड़े समय में वहां पर कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स के टैंक आ गए जो कि उन्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन तभी एल्विन और ऑड्री वहां पर हमला करने लग जाते हैं और एडवर्ड को लेकर जल्द से जल्द दूर भागते हैं क्योंकि एक बार वो मिलिट्री कस्टडी में चले गए तो उनका बचना नामुमकिन है। एडवर्ड, एल्विन और ऑड्री तीनों एक साथ मौजूद थे और उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। एल्विन ने तो एडवर्ड को बताया कि एक दिन मैं जब कार चला रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं डायरेक्टली पानी में जाकर गिरा, लेकिन जब मैं पानी में गिर रहा था तो सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ी थी और मेरी बॉडी जलने लगी। उसके बाद से जब मैं पानी से बाहर निकला तो मैं पूरी तरीके से इंसान बन चुका था। अब इसके पीछे कौन सा साइंटिफिक रीजन होगा इसके बारे में ही पता करने के लिए ऑड्री ने एडवर्ड को बुलाया था। अब वो तीनों डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए एक बड़ी सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ इंसान रहा करते थे। वहाँ कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट मिलने के बाद एडवर्ड यहाँ पर एल्विन का ब्लड सैंपल टेस्ट करता है। अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद एडवर्ड आखिरकार समझ गया था कि इसके पीछे का रीजन क्या है। दरअसल जब एल्विन का एक्सीडेंट हुआ और वो थोड़ी समय के लिए सूर्य के कॉन्टेक्ट में आया था तो उसके अंदर जो मौजूद वायरस है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और जैसे ही वो वायरस खत्म हुआ तो एल्विन वापस पानी में आ गया जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका था। यानी एडवर्ड को पता चल चुका है कि किसी भी वैम्पायर को इंसान में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या होगा। अब हमें यहाँ एडवर्ड के उस सीनियर एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी में इंसानों के खून की काफी कमी हो गई थी और अब इसी कमी के कारण सारे के सारे वैम्पायर सबसाइडर्स में कन्वर्ट होते जा रहे थे। अगर उनके पास इंसानी खून नहीं होगा तो वो इस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अब एडवर्ड के सीनियर ने ये आदेश दे दिया था कि जहां भी इंसान हो उन्हें ढूंढ कर लेकर आया जाए ताकि उनके बॉडी से ब्लड एक्सट्रैक्ट करके वो अपना जीवन यापन कर सके। सिटी के अंदर तो अब सबसाइडर्स की मात्रा काफी बढ़ती जा रही थी खून की कमी के कारण, यानी कि उन्हें जल्दी कोई सलूशन ढूंढना पड़ेगा। अब हमें यहाँ एक लेडी और एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ट्रक में आगे
बढ़ रहे थे। दरअसल ये दोनों इंसान होते हैं और ऑड्री के लिए ही काम किया करते थे। ये उसी जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ सारे इंसान एक साथ छुप कर रहा करते, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें कई सारे वैम्पायर सोल्जर्स ने घेर लिया था, जो कि उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनका ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाए। वो दोनों ही अपनी जान बचाकर कहीं छुपने की कोशिश करते हैं और उस लेडी ने तुरंत ही ऑड्री को कॉल कर दिया था। ऑड्री तुरंत ही सारे लोगों को ये बात बता देती है कि वो सारे सोल्जर्स इस जगह पर भी आ रहे हैं हमला करने के लिए, इसीलिए अब उन्हें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी सेफ जगह पर जाना होगा। उन सारे वैम्पायर सोल्जर्स ने तो उन दोनों आदमी और औरत को पकड़ लिया होता है, जो कि हमें पता ही है कि उन दोनों के साथ कितना बुरा बिहेव किया जाएगा। उस अड्डे पर जितने भी इंसान थे वो सभी के सभी वहां से जाने लगे, लेकिन यहाँ एडवर्ड जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे इस बारे में पता लगाना है कि आखिरकार ये वायरस एल्विन की बॉडी से चला कैसे गया। इसीलिए अब उस फैसिलिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडवर्ड, ऑड्री और एल्विन बचे थे। कोई और टेस्ट सब्जेक्ट ना मिलने के कारण एडवर्ड खुद इन सारी चीजों को अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था, यानी कि एडवर्ड एल्विन की उन सारे प्रोसेस से गुजरेगा जिस तरीके से वो गुजरा था, और उसके बॉडी में से वैम्पायर्स की प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। एडवर्ड एक छोटे से चैम्बर में होता है जिसके ऊपर का पोर्शन अब थोड़ी देर के लिए खोल दिया गया था, जिसमें से सूर्य की रोशनी एडवर्ड के बॉडी पर पड़ने लगी और वो जलने लगा। ये सारी चीजें ऑड्री दूसरी तरफ से कंट्रोल कर रही थी कि कितने समय तक उसे रहना है, क्योंकि इन मेजरमेंट्स को एडवर्ड ने पहले ही डिफाइन किया था। अब काफी ज्यादा जलने के बाद आखिरकार ऑड्री ने उसके ऊपर पानी डाल दिया, जिससे कि एडवर्ड पर लगी हुई आग बुझ जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि रियलिटी में एडवर्ड एक इंसान बनने लगा है, उसके अंदर मौजूद वैम्पायर वायरस पूरी तरीके से खत्म हो गया। थोड़ी देर के अंदर वहाँ कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि इंसानों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से एडवर्ड, ऑड्री और एल्विन पानी के अंदर छुप जाते हैं ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। सोल्जर्स सच में बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं पता लगा पाता उन सारे इंसानों का। इन सोल्जर्स में तो एडवर्ड का भाई भी मौजूद होता है, और उसे एक लेडी दिखाई देती है जो और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड के सीनियर की बेटी थी। दरअसल एडवर्ड के सीनियर की बेटी एक इंसान होती है और वो अपने फादर के साथ बिल्कुल भी नहीं रहा करती थी। इसी वजह से एडवर्ड के सीनियर ने एडवर्ड के ब्रदर को आते हुए ये कहा था कि अगर तुम्हें मेरी बेटी मिलेगी तो तुम उसे काट कर वैम्पायर बना देना। एडवर्ड के भाई ने सेम टू सेम वैसा ही किया और सीनियर की बेटी को काट लिया, जिससे कि वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि मैं इंसानों को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। सिटी के अंदर तो सबसाइडर्स की संख्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद ही डिसाइड किया कि सारे सबसाइडर्स को मार दिया जाए, क्योंकि वो सब खुद वैम्पायर कम्युनिटी के लिए खतरा है। सारे के सारे सोल्जर्स सबसाइडर्स को बांध कर सूर्य की किरणों के बीच लेकर जाते हैं, जिससे कि जल कर उनकी मृत्यु होते जा रही थी। एडवर्ड का भाई देखता है कि इन सारे सबसाइडर्स में सीनियर की वो बेटी भी है, जिसे कि उसने ही काट कर वैम्पायर में कन्वर्ट किया था। वो भी बुरी तरीके से जलकर वहां मारी जाती है। यहां पहली बार एडवर्ड के भाई को रियलाइज हो रहा था कि वो कितना अत्याचार कर रहे हैं नॉर्मल इंसानों पर। हालांकि इंसान तो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए यहां से वहां छुप रहे हैं। अब हमें यहां एडवर्ड, ऑड्री और एल्विन के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है, और उसने तो डिसाइड कर लिया था कि किसी भी तरीके से वो सारे वैम्पायर्स को ठीक करेगा। इसमें ही इंसानी प्रजाति की सलामत है, और यही रीजन था कि इंसानी प्रजाति को बचाया जा सकता था। एडवर्ड अब सीधा ऑड्री और एल्विन को लेकर अपने एक दूसरे एम्प्लॉय के पास चला गया था, जो कि उसके साथ मिलकर सिंथेटिक ब्लड बनाने के काम करते थे। एडवर्ड तो अब अपने पार्टनर के ऊपर गन तान कर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वैम्पायर्स को इंसानों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एडवर्ड का पार्टनर जब उसे देखता है तो वो शॉक ही रह गया, क्योंकि एडवर्ड सच में एक इंसान बन चुका था, और ये तो एक तरीके से चमत्कार है, यानी कि एडवर्ड ने उस पुराने वायरस का सॉल्यूशन निकाल लिया है। लेकिन एडवर्ड को क्या पता था कि एडवर्ड का पार्टनर उसे धोखा दे रहा है। एडवर्ड के पार्टनर ने तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को बुला लिया, जो जल्द से जल्द वहां आकर ऑड्री को पकड़ लेते हैं। एडवर्ड और एल्विन तुरंत ही उनके ऊपर हमला करने लगे और मौका मिलते ही वहां से निकल गए। दरअसल बात यह होती है कि एडवर्ड के पार्टनर ने सिंथेटिक ब्लड बना लिया होता है, और एडवर्ड का पार्टनर चाहता था कि वही इस काम का पूरा क्रेडिट ले। तो कंपनी का सीनियर इसी सिंथेटिक ब्लड को बेचकर काफी सारे पैसे कमाना चाहता था, भले इसमें इंसानों की कितनी भी जान जाए, उन्हें तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। एडवर्ड और एल्विन अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर आ तो जाते हैं, लेकिन अब उनके सामने एडवर्ड का भाई मौजूद था, जो पहले तो उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो अपने भाई से कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं भी समझ गया हूँ कि ये वैम्पायर्स किस तरीके से इंसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। एडवर्ड इस बात से खुश तो हो जाता है, लेकिन एडवर्ड के भाई के बॉडी में अचानक से कुछ चेंजेस होने लगे, क्योंकि एडवर्ड के भाई ने कई दिनों से ब्लड नहीं पिया होता, और अब ब्लड की कमी के कारण वो एक सब
आउटसाइडर में कन्वर्ट हो रहा है। धीरे धीरे उसे खून पीने की तलब मचने लगती है और वो सीधा एल्विन के ऊपर कूद जाता है और उसे काट कर ब्लड एक्सट्रैक्ट करने लगता है। हालांकि एडवर्ड अब तुरंत ही उसे अलग करके अपने भाई को ही जान से मारने वाला था, पर थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि उसका भाई भी एकदम नॉर्मल इंसान बन चुका है। एडवर्ड ने जब इसके ऊपर डीपली सोचा तब वो ये कंक्लूजन निकालता है कि अगर जो भी वैम्पायर इंसान में कन्वर्ट हुआ है तो उसका ही ब्लड इस वायरस का सॉल्यूशन है। यानी कि अब एडवर्ड का काम काफी ज्यादा आसान हो गया है और वो इसे करके ही रहेगा। एडवर्ड तो अब किसी भी तरीके से ऑड्री को बचाना चाहता था, इसीलिए वो सीधा चला गया अपने सीनियर के पास और उसे अपनी बातों में फंसाने लगा। एडवर्ड तो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं चाहता हूं कि मैं वापस से वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाऊं। इसीलिए अब एडवर्ड का सीनियर सीधा उसके पास आया और एडवर्ड के गले पर काटने लगा। लेकिन यहां एडवर्ड का खून पीने के कारण एडवर्ड का सीनियर भी एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। एडवर्ड ने तो अपने सीनियर को पकड़ लिया था, वो तो उसे बंदी बनाकर सीधा उन सोल्जर्स के पास भेज देता है जो कि वैम्पायर थे और उन्होंने कई दिनों से खून नहीं पिया होता। एडवर्ड का सीनियर एक नॉर्मल इंसान बन चुका होता है, इसीलिए सारे के सारे वैम्पायर सोल्जर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो लगातार खून पी रहे थे, इसीलिए वो सारे सोल्जर्स भी इंसान बन चुके थे। पर इन सारी चीजों में एडवर्ड के सीनियर की मृत्यु हो जाती है। एडवर्ड ने तो किसी भी तरीके से ऑड्री को छुड़ाया और वो उसे लेकर भाग ही रहा था, लेकिन उसके सामने फिर वैम्पायर वाले सोल्जर्स आ जाते हैं। अच्छी बात तो ये होती है कि एडवर्ड का भाई वहां पर आकर सारे सोल्जर्स के ऊपर फायर करने लगा और अपने भाई और ऑड्री को कहता है कि तुम दोनों यहां से भाग जाओ। लेकिन ये बात उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए कि अब वो सभी इंसान बन चुके हैं। लगातार एडवर्ड को बचाने के बाद एडवर्ड का भाई अब पूरी तरीके से वैम्पायर सोल्जर से घिर जाता है। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अंदर वैम्पायर्स वाली एबिलिटी तो चली गई है। सभी के सभी सोल्जर्स एक साथ एडवर्ड के भाई पर झपट्टा मार देते हैं और उसका ब्लड पीने लगते हैं, जिससे कि वो सब भी अब वैम्पायर से इंसान में कन्वर्ट होने लगे थे। एडवर्ड के भाई ने अपने ब्रदर की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। एडवर्ड जब ऑड्री को लेकर वहां से जा रहा होता है तो उसके सामने उसका पार्टनर आ गया था। एडवर्ड का पार्टनर उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसने तो सिंथेटिक ब्लड बना लिया है और वो उसी की मदद से कंपनी में पूरा क्रेडिट लेना चाहता था। एडवर्ड का पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई भी वैम्पायर्स को वापस से इंसान में कन्वर्ट करे, इसीलिए उसने अपनी गन ले ली और उन दोनों के सामने पॉइंट आउट कर दिया, जिससे कि वो उन्हें मारने ही जा रहा होता है। तभी अचानक वहां एल्विन आता है और उसने अपने हथियार की मदद से एडवर्ड के पार्टनर को गोली मार दी, जिससे कि वो वहीं पर ब्लास्ट होकर अपना दम तोड़ देता है। उस फैसिलिटी के अंदर मौजूद जितने भी वैम्पायर सोल्जर्स थे वो अब इंसान बन चुके होते हैं, यानी कि उनकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई। एडवर्ड को वायरस का सॉल्यूशन मिल चुका होता है, इसीलिए वो एल्विन और लॉड्री के साथ मिलकर इस मिशन पर निकल पड़ा था कि वो किसी भी तरीके से दुनिया भर के सारे वैम्पायर्स को इंसानों में कन्वर्ट करे। यहाँ तक कि फैसिलिटी के अंदर सारे सोल्जर्स भी उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब उनके सामने एक लंबी लड़ाई थी जो उन्हें किसी भी हालत में जीतनी है। हमारी ये कहानी भी इसी तरीके से यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।